अरविंद भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो सबसे बहन भाई ने जुड़े रहना है, और जो हमारे चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब भी करें। तो आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होगा। शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा अपना व्लॉग भी शेयर कर लो। आप सुनो, ये हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ चाहिए। आप सुनाएं, आज आप अपनी लव स्टोरी बता रही हो फिर? लव स्टोरी जी? क्यों? मैं चाहता हूँ, देखें वो हम कई व्लॉगर्स ने, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, अपनी लव स्टोरी बताई है उन्होंने, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी लव स्टोरी नहीं बताना चाहती? क्या इस वीडियो में आप लव स्टोरी अपनी बताएंगी? लव स्टोरी क्या होती है? चलें जी, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो अभी हम बाहर आए हुए हैं, और यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि अंधेरी अभी थोड़ी देर में आने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हद तक उम्मीद है। तो आज बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत रही है, मेहमान आए हुए थे तो मिस्त्री भी आए हुए थे, आज पूरा दिन ही ऐसे गुजरा। तो अभी मैंने बर्तन धोए, काम ख़त्म किया, मैंने कहा अपना व्लॉग भी शुरू कर लो। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि जो है ना, जो हमारी कपास है ना, उसकी जो गोडी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं, उसके पैसे वो कितने लेते हैं जो मजदूर होते हैं, और स्पेशल इस घास के लिए। ये देखें, इनमें से आपको कपास बहुत कम नज़र आएगी और घास बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, ये देखें। तो इसलिए मैंने कहा अपने बहन भाइयों से भी शेयर करूं कि हमारे किसान कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसकी कीमत है भाई 3000 रुपये जी, वहाँ से, हाँ यहाँ ये दरख्तों से लेके ना इस बूटी तक, हाँ। इसकी कीमत है 3000 रुपये, जो ये घास निकाल के देगा। ये जड़ी बूटियाँ, हाँ ये जड़ी बूटियाँ, ये देखें, ये घास भी होता है जो जानवरों को जो है ना डालते हैं, और साथ में कपास देखें, नजर ही नहीं आ रही। हाँ माशाल्लाह, वैसे तो कपास इस साल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया। ये सामने वाली भी तो कपास है, ये कितनी अच्छी हो रही है वो मैं बताता हूँ ना। पहले जो है ना, ये स्प्रे करते हैं ना पहले, अच्छा दवाई करते हैं, इन्होंने नहीं की, ऐसे लगा दी है। और इस साइड हमने सब्जियां लगाई है ना, जी जी हमने सब्जियां लगाई है, हमने भी स्प्रे नहीं की। इधर से जो है ना पानी बह रहा है, लेकिन आज मैंने कपड़े बिल्कुल नहीं धोए खाल पे। इधर सारी ये ईंटे आपको नजर आ रही है, सारी औरतें बैठ के कपड़े धो रही थी। चुप क्यों रहे हो? मेरी वीडियो में आने से आपको डर लगता है? तो इसका क्या मतलब है, दाढ़ी नहीं बनवाई? तो जी हमारी सब्जियां देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ने आज जिद की हुई है कि अपनी लव स्टोरी बयान करो। भला भला ये कोई बात है? बताओगी आज आप? तो सीधी बात है, ये बगैर लगाए जो है ना लुढ़क हो गई है। ये बेले देखो आप, हमारी बेले देखो, चलो उधर दिखाते हैं बहन भाइयों को। हाँ बिल्कुल, आप दिखाओ अपना व्लॉग, आप खुद शेयर। तो इस बार हमारे ये जामुन नहीं लग गए, इतना अफसोस हुआ है ना, इतना अफसोस हुआ है क्या बताएं। भिंडियां अभी लग रही होंगी है ना, ये देखें हमारी भिंडियां अभी बड़ी हो रही है, ठीक है ना। तो वो जो है ना, ये सारी सब्जी हमारी लगी हुई है, इसको तो फूल भी लगे हुए हैं, ये देखो। ये क्या चीज है? कद्दू है, तूरियां है, ये वो है अपना टिंडे, टिंडे ये देखें। ये लगेगी 3-4 दिन तक, हमारी सब्जी लगने लग जाएगी इंशाल्लाह। ये वो भी है ना, फुट भी है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, तितली आई हुई है, ये भाग रही है, पीली पीली तितली। ये पहले दिखाओ, ये देखो, अब देखना लगती, देखना फिर आप खाद डालनी है कल, बिल्कुल थोड़ी सी खाद। वो कहते ना, कभी भी इंसान की मेहनत जाया नहीं होती जी, बिल्कुल। तो हमने इन पे मेहनत की, हमारा दिल भी था, नहीं था बिल्कुल इस बात का, साबरा को बिल्कुल यकीन नहीं था कि हमारी सब्जी भी कभी हो सकती है। नहीं ये बात नहीं है, असल में मैंने कहा थोड़ी लेट हो गई। तो अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये है कद्दू की बेले जी। ये एक बेल अगर लगने लग जाए ना, काफी 25-30 जो है ना इस पे कद्दू लगते है एक पे। हाँ तो ये फुटे, ये फुटे नहीं है, ये क्या चीज है? ये टिंडे हैं, टिंडे की, टिंडो की। इन पे तो लगे भी होंगे, इतने बड़े बड़े तो हो गए। नहीं ये देखो ना, मैं कह रही हूँ ना, ये देखो लग रहे हैं। वाह जी वाह, मुबारक हो, टिंडे लग रहे हैं हमारे। वैसे टिंडे मुझे पसंद भी हैं, आपको पता है, ये हमारे ओरिजिनल टिंडे हैं बिल्कुल। ये इधर करेले की दिखाओ, हाँ करेले की लग रहे हैं। करेले की मौसम तो चली गई है क्यों? हाँ तो अभी है,
हाँ तो अब शुरू हो रही है, खत्म नहीं हो गए, हमारे लगेंगे। ये देखें जी, ये हैं करेले की बेले, आज आपको सारी सब्जियां दिखा दें, नहीं लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरी काम हुआ है, आप लोग देखते हैं आप लोगों के सामने। तो आज असल में गर्मी एक क्योंकि एक वो कुछ चीज़ें रहती थी जिसको लेने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, इस वजह से काम थोड़ा कम हुआ है। कल ये सामने वाली साइड भी हमें प्लस्तर करेंगे, उसके बाद छत वाला अभी आया नहीं है, छत वाला आएगा तो छत पर ढकेंगे। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा सिर्फ काम नहीं पड़ रहा है। मुझे इतना गुस्सा था, ये देखे इंसान को भी जब कुछ अच्छा ना लगे ना, ये देखे रास्ता इतना ख़राब हो गया, इधर से पानी है, इंसान यहाँ से गुजर तो आपको ऐसे मुँह के बल गिरे नीचे। चलो शिक्र है फिर भी काम हो रहा है। वैसे तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इतनी पुरानी जगह पे सदर, तो जी हमारे बस नसीब में यही थी जो हमें मिली है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छी है। जब ये बन जाएगी तो उसके बाद हम नया घर चुके भी बाहर आ चुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं बैठा नहीं जा रहा था। मैंने कहा इधर बच्चों की परिंदों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही है, इधर ही रुक जाते हैं। तो वैसे इरादा था कि आज चले जाएं लेकिन बस टाइम नहीं मिला, मेहमान थे, तो फिर इस वजह से कल जाऊंगी। क्योंकि गर्मियों के कपड़े जो है ना अभी मेरे ख़त्म हो चुके हैं, इनमें अब गर्मी लग रही है, इस वजह से नए कपड़े लेंगे। क्यों एंड कर दो वीडियो का? क्यों आपने स्टोरी नहीं बतानी? कौन सी स्टोरी? ये लव स्टोरी क्या मजाक है, आप अपनी लव स्टोरी बताओ ना, किससे आपने प्यार किया? आपसे शादी हुई, आपसे ही किया है। नहीं आप क्यों नहीं, हकीकत जो है अपने बहन भाइयों को क्यों नहीं बताना चाह रही हो? अच्छा। जो हकीकत है वो बताओ ना, आपको किस तरह किसी से प्यार, मुझसे प्यार हुआ था? लंबी कहानी है, इस वीडियो में नहीं बता सकती हूं। कितनी लंबी कहानी है कि आप एक वीडियो में नहीं बता सकती? लोग 5-5 मिनट में अपनी लव स्टोरी बयान कर देते हैं, आपको जो है इतना टाइम ही नहीं है कि आप अपनी स्टोरी बता सको। लोगों को तो मजा आता है अपनी स्टोरी बताने में। हाँ तो फिर वेला टाइम हो ना। अच्छा ये काम वेला नहीं, वेला है तो इस वजह से टाइम भी वेला हो। हाँ। है ना, सही बात है। निकम्मे का टाइम के लिए, निकम्मे काम के लिए निकम्मा टाइम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहन भाई देखो पूछना चाहते, बहन भाइयों को बता देती हूँ कि इंसान की जिंदगी में एक शख्स हमेशा आता है जिसे इंसान प्यार भी करता है, उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला भी करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जनाब मुझे पसंद भी थे और हमारी शादी भी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह से हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। तो इसके अलावा यह है कि कभी लव स्टोरी जैसे कहते हैं तो वो कभी ऐसा सीन हुआ नहीं है, तो बस जहाँ शादी हो जाती है वहाँ पे इंसान खुश रहता है। तो बाकी जब चैनल वगैरह बनते थे तब हम हमारी कभी बातचीत नहीं होती थी, बस ये है कि पहले चैनल में मसरूफ थे तो फिर बच्चों में, तो बस ऐसे ही जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती गई, तो अब भी बहुत अच्छी गुजरेगी जी। देखिए रब ताला की जो है ना जात वो इज्जत देने वाली है, अल्लाह ताला ने आपको भी इज्जत दी है। और इंशाल्लाह अजीज एक बहन कह रही थी आज व्हाट्सएप पे, हमारी बहुत ही सगी बहनों की तरह है, वो आपको उन्होंने मैसेज दिया है, वो कह रही थी कि साबरा से बोलना कि अल्लाह ताला ने आपको भी बहुत ही अच्छी इज्जत दी है, ठीक है, और इंशाल्लाह उल अजीज जिस तरह आपको इज्जत मिली है आपके बच्चों को उससे बढ़ के इज्जत मिली है। वो देखे रब ताला की जात, हाँ देखे ना रब ताला की जात इज्जत देने वाली है, कोई शख्स का इसमें कोई किरदार नहीं होता। अगर आपकी मुझसे भी शादी हो गई है ना, तब भी आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह ताला मज़ीद उन्हें खुशियाँ दे, हमारी दुआएं हैं। नेक्स्ट ये कि हमारी जो कोशिशें हैं वो कभी नाकाम नहीं होंगी। बिल्कुल, बच्चे जो है ना वो हमेशा अपने माँ बाप के ही रहते हैं जी, कभी किसी और के नहीं होते। तो इस वजह से मुझे खुशी है कि वो खुश हैं, पढ़ भी रहे हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मेरे मुंह से तो हर वक्त बस अपने बच्चों के लिए यही दुआ निकलती है, वो खुश रहे, लंबी जिंदगी अल्लाह ताला उनको दे। तो बस इसके अलावा जिंदगी में इंसान को जो सेहत मिलती है, जो दुआएं मिलती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो बस ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जैसे मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ करती है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बहन भाइयों से कि मेरे बाबा जानी बहुत दोबारा बीमार हो चुके हैं, रात भी उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ही ज्यादा जी, ऐसे उनका दिल बंद हो गया था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन हुई। तो हमने आज उनसे कहा कि आप सुबह चले, हम जो है ना उनका जो पथरी वाला मसला है हमने कहा उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं जी। तो
अभी वो मान नहीं रहे हैं, हमने उनसे कहा कि जी आप दवाइयों से आराम होने वाला नहीं है, आप ऑपरेशन करवा लो। और जितने भी बहन भाई हम आपकी हमारी वीडियोस को देखते हैं उनसे गुजारिश है कि आपने मेरे बाबा जान के लिए और फादर लाख जो है साबरा के उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, ठीक है, कि वो ठीक हो जाए। बस बड़ों की वजह से इंसान के घर में बरकत आता है जी, तो उनके अलावा तो घर में भी कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ नहीं, सुनसान ही होता है घर। हाँ। तो बस अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे। कवे बहुत आ गए, आपने लव स्टोरी नहीं सुनाई, इधर एक कवा है वो अपनी लव स्टोरी सुनाने लग गया है। ये लव स्टोरी मेरा आप बहन भाइयों से वादा रहा, जब वक्त आएगा तो मैं कभी वक्त के आगे पीछे बात नहीं करती, जब वक्त आएगा ना तो इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। चलें जी, ओके ओके जी, अल्लाह जी अपना ख्याल रखिए, अपने शादी का ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज्यादा, मुझे पसीना आ रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक जल्दी जल्द अल्लाह हाफिज़ जी।